गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी दिस इज़ अ ग्रामेटिकल सेक्शन वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग डिटर्मिनर्स सो डिटर्मिनर्स होती क्या है डिटर्मिनर्स आर फिक्सिंग वर्ड्स ये वो फिक्स वर्ड्स होते हैं विच हेल्प टू आइडेंटिफाई और लिमिट द नाउन वर्ड्स जो हमें हेल्प करते हैं पहचानने के लिए लिमिट करने के लिए नाउन वर्ड को विच दे प्रिस जिसके आगे वो लगे रहते हैं ठीक है इसका मतलब ये एक तरह से एडजेक्टिव होते हैं लेकिन एडजेक्टिव क्या करते हैं क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को और डिटर्मिनर क्या करते हैं उनको लिमिट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनको क्या करते हैं वो एक सीमा तक बांध देते हैं डिटर्मिनर्स ठीक डिटर्माइन करते हैं डेफिनेट बना देते हैं उनको लेकिन एडजेक्टिव क्या करते हैं उनकी विशेषता बताते हैं जबकि ये विशेषता नहीं बताते ये उनको लिमिट कर देते हैं आ डिटर्मिनर इज़ यूज इध फास्ट वर्ड इन नाउन ग्रुप वैसे तो क्या होता है कि नाउन से पहले आता है ये एंड कैन ओनली हैव अ डिटमाइनर सच एज सच हाफ और बॉथ इन फ्रंट ऑफ इट यानी कि केवल एक ही डिटर्मिनर यूज़ होता है इट कैन बी यूज विद अनदर डिटर्मिनर्स कभी कभी लेकिन किसी किसी सिचुएशन में दूसरे डिटर्मिनर्स के साथ भी यूज हो जाता है तो इन कॉन्टेक्सट ऑफ द अबाउट डेफिनेशन वॉट वी हैव लर्न अबाउट द डिटर्मिनर्स यानी कि इसके कैरेट्रिस्टिक्स क्या है इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले तो डिटर्मिनर मे आइडेंटिफाई और लिमिट अ प्लेस पर्सन और थिंग यानी कि किसी भी नाउन को ये आइडेंटिफाई करेगा किसी भी नाउन को ये लिमिट करेगा जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है दिस हाउस इज माई कजनस तो यहाँ पे हमने क्या देखा है ये लिमिट कर रहा है हाउस को दिस लगा के सो दिस इज द डिटर्मिनर अ डोग इज अ अथफुल एनिमल सो डोग से पहले आ आ गया है तो ये क्या है डिटर्मिनर ठीक है उसको क्या कर रहे हैं लिमिट कर रहा है दो, या दो से अधिक पर्सन थिंग्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है एक ही डिटर्मिनर जैसे आर दीज बुक्स इंटरेस्टिंग सो सभी बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है लिमिट कर रहा है कौन सा वर्ड दीज डिटर्मिनर ओके यानी कि दो या दो से ज्यादा यानी कि प्लूरल को भी डिफाइन कर सकता है डिटर्मिनर कैन लिमिट नाउन इन प्लुरल ऑल्सो यही अब हमने आपको बताया था कि प्लुरल में कर सकता है डिटर्मिनट इंडिकेट अ क्वांटिटी और अमाउंट हमें क्वांटिटी या अमाउंट बताते कितनी मात्रा में थोड़ा है कम है ज्यादा है चार है पांच है ठीक है जैसे देर वॉज आ लिटल वोटर इन द जग तो वॉटर को लिमिट कर रहा है कि वो लिटल है ओके डिटर्मिनल प्रिसे न्यूमरल एंड अजैक्टिव यानी कि नंबर में भी हो सकते हैं ठीक है और कभी कभी ये अजैक्टिव को भी लिमिट कर देते हैं जैसे द टू थीव्स आर स्टीलिंग यानी कि यहाँ पे थीव्स को नंबर दे के बताया कि दो थीव थे ठीक है इसके बाद सी पार्ट में देखिए अब ब्राउन शुगर इज किलर, तो यहाँ पे शुगर का ऑब्जेक्टिव तो हो गया है ब्राउन लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को भी लिमिट कर दिया है किसने आर डिटर्मिनर ने ओके तो इसका मतलब द एंड देर प्रेस द न्यूमरल टू एंड फर्स्ट एंड द डिटर्मिनर आर प्रेसिड्स ब्राउन ठीक है उसके बाद कितने तरह के होते हैं सबसे पहले है, article of course, हमने बहुत बार पढ़ा है A, N, and the. तो article होते हैं ये पहला है आपका डिटर्मिनर ए एन और द का रूप रूप में उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होते हैं दिस दो तो, चीज को इशारा करते कि ये है वो है पॉजिटिव मतलब हम उस चीज़ के मालिक हैं हमारे पास वो चीज है माय, हेज आर योर देयर मेरी है तुम्हारी है उसकी है इस तरह पॉजिटिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर ठीक है डिस्ट्रीब्यूट क्या हर एक के बीच में बांटना जैसे ईच एवरी बॉथ नीदर ईदर ये होते डिस्ट्रीब्यूटिव उसके बाद इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं विच कौन सी है वॉट क्या है हुज किसकी, तो ये सब क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव उसके बाद है क्वांटिटी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स भी हमारे कितने होते हैं दो तरह के होते हैं ठीक है सबसे पहले कौन से होते हैं कार्डिनल नंबर में वन टू थ्री होते हैं ठीक है उसके बाद कौन से होते हैं हमारे क्वांटिटी uh, दिखाने के लिए इनडाफिनेट होते हैं एनी मैनी मच इस तरह से ठीक है तो हमारे ये क्या हो जाते हैं छह तरह के हमने आर्टिकल बता आपको रिटर्मिनल बताए हैं आर्टिकल डेमॉन्स्ट्रेटिव पोजिस डिस्ट्रीब्यूटिव इंटेरोगेटिव एंड क्वांटिटी सो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में ऑफ कोर्स यू हैव डड मैनी अ टाइम बट स्टिल वी हैव टू डू आर्टिकल्स हमें पता है दो तरह के होते हैं कौन से कौन से डेफिनेट और इनडाफिनेट ठीक है तो इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ए और एन होता है वो इनडेफिनेट होता है यानी कि हमें नहीं पता ये क्या करते हैं कितने ज़्यादा हैं कम हैं यानी कि इनके बारे में डेफिनेट कुछ नहीं है जबकि द द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं ऑफ द इज ए ऑल्सो प्रनाउंसड एज ए दी ठीक है कब होता है दी एंड बोथ आर करेक्ट लेकिन दी जहाँ पे होता है वहाँ पे अगर इट इज फॉलोड बाय वावल साउंड जैसे द एयर अगर इसके पीछे कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो द बोला जाएगा द दा डेफिनेट बट द एयर ओके okay? इस तरह से सो so, आर्टिकल uh, हम सबसे पहले क्या करेंगे इनडेफिनेटिव uh, आर्टिकल्स का यूज करेंगे ए एंड एन का अफकोर्स द वर्ल्ड इज प्रनाउंस एज ए बट वेन इट इज इन सेंटेंस जब एक सेंटेंस में यूज होता है ठीक है उसके बीच में यूज होता है तो यह अ प्रनाउंस किया जाएगा जैसे दिस इज अकिन अगर हम वैसे इसको पढ़ेंगे तो ये ए लगेगा ठीक है सो द डेफिनेट आर्टिकल इज ए एंड सबसे पहले इफ अ वर्ड बिगिन विदल साउंड जब भी कोई वर्ड वउंड देखना है आपने। आपने वोवल वर्ड लेटर देखना आपने वाउंड देखनी है

आर यूनिवर्सिटी यू इज अ वर्ड वावल वर्ड लेकिन इसके साथ हमने एन नहीं लगाया क्योंकि साउंड इज नॉट इन अ वावल साउंड सो साउंड शुड बी इन अ आके अगर आपके साउंड ये वाली होती है वावल साउंड होती है ये या इज नॉट अ वावल साउंड तो वावल जो साउंड होते हैं वो कौन से होती है अ आ ई एके अगर ये होती हैं तो आप एन लगाएंगे नहीं तो आप आ लगाएंगे साउंड ऑफ द हेड वर्ड यानी कि सबसे पहले साउंड को ही आपने देखना होता अ डॉक्टर ठीक है डी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एन ओल्ड डॉक्टर आ गया है ओके नेक्स्ट इज वेन ए काउंटेबल नाउन स्टार्ट विद एच बट एच प्रिड्स विद ए बिकॉज इट्स नॉट अ वावल साउंड ठीक है जैसे अ होटल हिस्टोरिकल इवेंट बट वेन अ काउंटेबल नाउन स्टार्ट विद एच बट एच इज not जस्ट pronounced, देन वी यूज एन एच से जरूर शुरू हुआ लेकिन एच वर्ड बोला ही नहीं जाता जैसे ऑनेस्ट एच से शुरू तो है लेकिन एच वर्ड तो बोला ही नहीं जाता एच ओ एन ई एस टी ठीक है तो एन ऑनेस्ट मैन एन आर इट्स नॉट हावर इट्स आर एन आर ओके सो इन दिसु होते हम मी नहीं बोलते अ वर्ड से वर्ड से शुरू है तो एन एम पी एन एन सी सी एस डी ओ एक्सरे ये सारे ओके okay? तो इन सब में हम क्या लगाएंगे हम एन लगाएंगे उसके बाद है एनी एनी यूज ए एंड एन में देर इज़ अ गर्ल यानी कि एनी वन है शी इज अ डॉक्टर तो यहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करते हैं ए या फिर एन लगाते हैं जैसे अ डॉग सिंगुलर डॉग इज एन एनीमल एन एलिफेंट इज़ अमल ठीक है कोई भी हमारा प्रोफेशन होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं ए या फिर एन लगाते हैं जैसे भी हमारी साउंड होती है मिस्टर अनुराग इज अ लॉयर ठीक है एंड मिशी शर्मा इज अ टीचर डॉक्टर जो भी है विद और विदाउट विद और विदाउट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमने ए या एन का यूज करना है जैसे शी रेन विद अ बॉल यानी कि विद के बाद हमने यूज किया है और फिर एक ही चीज आ रही है तो शी रेन विद अ

पर के हिसाब से ही मिल रही है यानी कि पाँच रुपए में इतनी छः रुपये में इतनी या फिर पाँच किलोग्राम एक घंटे में पाँच किलोमीटर सॉरी पाँच किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है एक बार हफ्ते में यानी कि किसी चीज़ को जब हम ऐसे काउंट करते हैं तो वहाँ भी ए और एन का यूज़ ही होता है दे गो देयर वंस अ वीक एक ही बार जाते हैं शी वोक्स फाइव किलोमीटर्स एन आर एक घंटे में पाँच किलोमीटर यानी कि जब हमारा पर के हिसाब से कोई भी चीज़ कैलकुलेट कैलकुलेट होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सक्मिनेशन यानी कि वॉट वाडा ब्यूटिफुल बिल्डिंग इनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं आ का यूज करते हैं तो ये सारी चीजें इन exclamation में हम क्या लगाते हैं हमेशा आ करते हैं जब हम किसी की क्वालिटी बताते किसी पर्सन की क्वालिटी किसी दूसरे में ढूंढते हैं ठीक है यानी कि प्रॉपर नाउन जब हम यूज करते हैं तो वहां पे भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि आ, ए या एन लगा सकते हैं जैसे शी इज अ सचिन इट मीनस कि उसमें सचिन वाली सारी क्वालिटी है सचिन तेंदुलकर वाली सारी क्वालिटी है इसलिए हमने उससे पहले क्या लगा दिया है आ लगा दिया है शी इज अ सचिन ही इज अ कालिदास इसका मतलब इस पर्सन में कालिदास वाले सारी क्वालिटीज़ हैं इसलिए हमने कालिदास वैसे तो नाम से पहले प्रॉपर नाम से पहले कभी नहीं आता लेकिन ये एक्सेप्शन होते हैं कि अगर हम क्वालिटी किसी पर्सन को देना चाहते हैं किसी दूसरे एमिनेंट uh, पर्सन की पॉपुलर पर्सन की तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं आर्टिकल uh, का यूज कर सकते हैं कुछ हमारी फ्रेज होती है जहाँ पे हमने जरूर से जरूर लगाना होता है आर्टिकल्स ठीक है जैसे इट्स अम टू डू दैट टू टेक एन इंटरेस्ट टू हैव अ गुड एजुकेशन इट्स एज अ रूल टू बी न हारी ऑन एन एवरेज इन अर टाइम अ गुड ऑल ऑफ अ सडन टू गिउंड ठीक है टू गिव साउंड टू है बाथीक से बहुत सारे हमारे फ्रीज हैं इनमें हमने का यूज करना है ठीक है अब है कि इनडेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है यानी कि अब तो हमने कहा यूज कर देना है अब देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करना है। नहीं करना है यानी कि ये क्या हो गई इसके एक्सेप्शन हो गए जितने भी प्लूरल होते हैं प्लूरल के साथ हमने आ और एन का यूज नहीं करना है जैसे हॉर्सेज ईट ग्रास अब यहाँ पे आ हॉर्सेज द हॉर्सेज ये नहीं लगाना हमने सीधा हॉर्सेज ईट ग्रास कोई भी पर्सन होता है हमने पहले भी बताया कोई भी पर्सन है कोई भी कंट्री है ठीक है कोई भी डे है कोई भी मंथ है ये सब क्यों होते हैं मेरे प्रॉपर नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं होता है सिर्फ वही यूज होता है एक्सेप्शन में जहाँ पे हमने उस पर्सन की क्वालिटी देनी होती है वहीं पे। सो दिस इज राजू वी लिव इन इस तरह से बट ए एंड एन इज यूज विद मिस्टर मिस किसी सर नेम से पहले यूज़ किया जाता है जैसे अमिस्टर गुप्ता जब हमें उसका पता नहीं होता यानी कि हम उसको जानते नहीं हैं तो सरनेम से पहले तो हो जाता है ए एफ एन का यूज और मिसिस गुप्ता और मिसिस मिस गुप्ता ठीक है यहाँ का मतलब हम इसको जानते नहीं हैं पता नहीं ये कौन है ठीक है उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं मटीरियल नाउन भी बोलते हैं ऑयल है राइस है wheat है मिल्क है सिल्वर है शुगर है ठीक है तो इनके आगे भी कभी भी आ और एन का यूज नहीं करना जैसे हानि टेस्ट स्वीट आ हानि नहीं क्योंकि हम सब की बात करते हैं उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर आइटम जिसको हम एक बनाना चाहते हैं ठीक है उनके साथ तो हम यूज कर सकते हैं जैसे कि मिल्क है लेकिन हमने इसको आ, क्या कर दिया है लिमिट कर दिया आप बोटल ऑफ मिल्क बोटल के रूप में कह सकते हैं अ कप ऑफ टी वैसे हम टी के साथ नहीं लगाते लेकिन आ का प्रोफिट उसको लिमिट कर देते हैं ये इसका एक्सेप्शन है नॉलेज यानी कि नॉलेज क्या है एक अनकाउंटेबल वर्ड है ठीक है जब हम इसका ये क्या होते, है? हमारे होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ओके न्यूज इंफॉर्मेशन फर्नीचर एडवाइस बैगेज डस्ट लगेज हेल्थ सोप वेदर ठीक है पॉलिटिक्स होमवर्क ये सारे क्या है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके पहले हम ए किसी का यूज़ नहीं करते क्योंकि न्यूज़ को हम क्या मानते हैं सिंगुलर मानते हैं पहले से ही इसको हम प्लूरल जब बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं uh, क्या होती है ये इंफॉर्मेशन न्यूज़ फर्नीचर ये सब चीज़ें क्या होती हैं पहले से ही हमारे क्या हैं सिंगुलर हैं ठीक है, है तो इनको हम जब बनाते तो इनके साथ अलग से जैसे अपीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू पीस ऑफ इन्फॉर्मेश ऐसे ठीक है बट देर इज नोट एनी न्यूज डू यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन यानी कि अ और एन का यूज हमने नहीं करना होता है ठीक है इसी तरह से अ पीस ऑफ चौक अ कोल हेडवाइज बेट ऑफ ग्रास अ यार्ड ऑफ क्लोथ यानी कि जब हम उसको लिमिटेड कर देते हैं तब लगा सकते हैं अदरवाइज नहीं पेपर वाइन क्लोथ ग्लास आयरन इस तरह से ये सारे क्या अनकाउंटेबल नाउन है इनसे पहले भी हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन लेकिन जब हम पेपर ग्लास क्लोथ आयरन इनसे हम किसी विशेष चीज़ का जब हम क्या करें रेफरेंस लेते हैं तब यूज़ करते हैं जैसे आयरन इज अ ब्लैक गोल्ड तो आयरन के साथ हमने आ नहीं लगाना है लेकिन हमने उसी क्वालिटी को बताया कि एक ब्लैक गोल्ड होता है आई यूज़ एन इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि नाउन से पहले उसके एडजेक्टिव से पहले यूज किया है हमने ठीक है एडजेक्टिव को भी लिमिट करने के लिए इसी तरह से हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं कौन से फियर है ब्यूटी है डेथ है हैप्पीनेस है होप है इनसे पहले क्या है हम ए और एन का यूज नहीं करते लेकिन फिर भी क्या होता है कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं जैसे सम चिल्ड्रन सफर फ्रॉम अ फियर ऑफ डार्क ठीक है यानी कि हमने क्या कर दिया है यहाँ पे डार्कनेस को अफियर बता दिया है डेथ कम्स टू ऑल शी इज अ वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी यानी कि ब्यूटी को हमने वही बात है कि नाउन नाउन से पहले हमने इसका एडजेक्टिव लगाया है फिर उस एडजेक्टिव को हमने क्या किया है क्वालिफाई किया है इसके बाद क्या होते हैं कोई भी हमारे जो मील होते हैं ठीक है चीके? हमारे जो भोजन होते हैं वी हैव लंच एट नून इसके साथ भी हम नहीं लगाते हैं कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में जो एक्सक्लमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके साथ भी नहीं लगा जैसे व्हाट वेदर वेदर को हम काउंट ही नहीं कर सकते इसलिए हम इसके साथ आ नहीं लगा सकते हैं कोई भी हमारी टाइटल होती है हमारा जो ऑफिस होता है उसमें हम नहीं यूज करते जैसे दे मेड हिम किंग नहीं दे मेड हिम ओनली किंग मिस्टर पी सी शर्मा वॉज द डायरेक्टर ऑफ सी बी आई वॉज डायरेक्टर ऑफ सी बी आई हमने ये नहीं कहना वोज आ डायरेक्टर यानी किसी भी टाइटल से पहले आ का यूज़ या एन का यूज़ नहीं करना है सो इन दिस वे आई होप दैट यू लर्न इट वेरी वेल अगर कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ओके थैंक यू वेरी मच हैव हैवे नाइस डे